आजकल मैं संदीप देख रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड से हट के एवेंजर काफी सारी आ रही है आपके पास स्टोर में, और बहुत आप मॉडिफिकेशन उनमें कर रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार साइंस मोटर शॉप पर तो बेस्ट मॉडिफिकेशन हो रही है एवेंजर को लेके, क्योंकि स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मोटरसाइकिल स्टोर पर। ऑलराइट दोस्तों, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि एवेंजर के अंदर एग्जॉस्ट की क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, बुलेट के अंदर तो साइलेंसर यार बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन एवेंजर के अंदर भी आजकल साइलेंसर चेंज हो रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट तरीके की वो मॉडिफिकेशन हो रही है। उसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे से जो एक बैंड वाइप आ रहा है उसे हल्का सा काटना है और एक साइलेंसर पीछे लग जाएगा और वेल्डिंग हो जाएगी, और ये बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाता है सारा कुछ। हमारे पास फुल सिस्टम भी आता है जिसमें आगे का बेंड पाइप और पीछे का एग्जॉस्ट मिल जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे संदीप से, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले संदीप हमारे साथ आए। हाउ आर यू संदीप? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। हाय फ्रेंड्स। सो संदीप यहाँ पर देखते हैं रिटेल के अंदर, हमारा रिटेल आउटलेट पूरा मैनेज करते हैं और मॉडिफिकेशन की नॉलेज काफी अच्छी रखते हैं, और इन्होंने कई सारी बाइक्स यहाँ पर मॉडिफाई करी हैं, एवेंजर हो, रॉयल एनफील्ड हो। और आजकल मैं संदीप देख रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड से हट के एवेंजर काफी सारी आ रही है आपके पास स्टोर में, और बहुत आप मॉडिफिकेशन उनमें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार साइंस मोटर शॉप पर तो बेस्ट मॉडिफिकेशन हो रही है एवेंजर को लेके, क्योंकि एवेंजर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो आज मैं चाहूंगा कि आप सभी व्यूअर्स को बताएं कि एवेंजर के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइलेंसर से। तो सबसे पहले एग्जॉस्ट की बात ही करेंगे हम लोग। एग्जॉस्ट सबसे पहले आप देख रहे हैं डबल बैरल एग्जॉस्ट है, ठीक है। डबल बैरल एग्जॉस्ट अभी सबसे इकोनॉमिकल स्टार्टिंग रेंज का आएगा, ये आपको पड़ेगा 2000-2200 के आसपास का ये एग्जॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ये है, हमारे पास जो मॉडल है ये है फ्री फ्लो। अभी एवेंजर में हम कोशिश करते हैं, एवेंजर बनाई इसी के लिए गई है कि जैसे हार्ले के लुक में बनाई गई है, बिल्कुल ठीक है। अब इवन बुलेट मॉडिफाई करते हैं वो भी हार्ले लुक में करते हैं, तो डबल बैरल एग्जॉस्ट लगाया जाता है। तो ये है वो डबल बैरल एग्जॉस्ट। इसमें दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फ्री फ्लो भी मिल जाएगा और आपको सिरेमिक वूल के साथ भी मिल जाएगा। तो फ्री फ्लो और सिरेमिक वूल की आवाज में कितना अंतर रहता है? हाँ, फ्री फ्लो में तो ये बहुत ही लाउड रहेगा, जिसमें इसके अंदर कुछ भी कंट्रोल करने के लिए, गैसेस को, इसके एग्जॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सिरेमिक में इसके अंदर सिरेमिक वूल की पूरी इनर लाइनिंग रहेगी। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बैरल साइलेंसर, जैसा संदीप ने बताया कि इसके अंदर दोनों ऑप्शन मिल जाती हैं, तो बहुत ही स्ट्रीमलाइन ये लुक देता है और एक हार्ले जैसी लुक देता है। एग्जैक्टली। और इसी तरीके का साइलेंसर अगर मैं चाहूँ कि यार बिल्कुल ये मेरे को इंडियन जैसी लुक या हार्ले जैसी लुक दे दूं, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो साइलेंसर है फैटवो, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया। हमारा थंडरबर्ड हो, एवेंजर हो, ये हमारा बेस्ट सेलर पीस है। आप इसको थंडरबर्ड का रेप्लिका भी कह सकते हो, और एवेंजर के लिए सबसे बढ़िया चीज है क्योंकि ये हार्ले जैसी साउंड भी देता है सिरेमिक की वजह से। इसकी बॉटल का साइज और शेप ऐसी है, ये जो हार्ले की आप फुर फुर करते हो साउंड देखते हैं, तो एवेंजर में ये बुलेट में तो दुख दुख देगा, लेकिन एवेंजर का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा तो ये काफी स्पोर्टी टाइप देगा। हाँ, और बेस बहुत लाउड नहीं होगा और आवाज काफी ज्यादा तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी लाउड नहीं है। इसके अंदर कलर ऑप्शन क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको ऑल क्रोम, ऑल ब्लैक एंड डिजाइनर, जिसमें ब्लैक बॉडी एंड क्रोम टेल के साथ आपको। तो अगेन पीछे से जिस तरीके से दोस्तों ऐसे पाइप आ रहा होगा, तो ये यहाँ पर वेल्ड हो जाएगा। आप देखेंगे बाइक के अंदर लुक इस तरीके से आएगी, आगे से एक पाइप आएगा, यहाँ पर वेल्ड होने के बाद ये इस तरीके से स्ट्रीमलाइन लुक देगा। और अगर बैक की व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको होल्स दिख जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट लुक देता है ये हमारा रॉयल एनफील्ड के अंदर। इसको हमने लीगल एग्जॉस्ट की तरह भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही मीडियम आवाज है। तो एवेंजर की जितने भी आप शौकीन हैं और कम आवाज चाहते हैं, तो आप फैट बॉय को एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अगले साइलेंसर की, जो है हमारे यहाँ पे प्रीमियम एग्जॉस्ट, जिसको बहुत सारे एवेंजर वाले ओनर्स लाइक करते हैं। और मैंने देखा है कि मैं जब भी यहाँ पर स्टोर पे आता हूँ तो कोई ना कोई एवेंजर के अंदर यही साइलेंसर लग रहा होता है। मैं चाहूंगा संदीप बताएं इसके बारे में आपकी क्या चीज़ है। इस एग्जॉस्ट की खास बात, सबसे पहले तो आप इसकी शेप देख सकते हैं, ये एंगुलर शेप में है। जैसे कि आप जानते हैं एवेंजर बहुत ही लो राइड बाइक है, बिल्कुल। तो कोई भी आप स्ट्रेट एग्जॉस्ट उसमें लगाना चाहोगे, ये हमने जो भी एग्जॉस्ट किए हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं है कि बड़े नहीं है, नीचे टच नहीं होंगे, लेकिन ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये एंगुलर शेप। तो जैसे स्पीड ब्रेकर से बाइक निकल बंप करेगी तो ये टच बंप नहीं करेगा। दोस्तों, आप स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं और बाइक आपकी साइलेंसर अगर टच होने का आपके मन में 1% भी डाउट है, तो ओबरा मल्टीबैंड लगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा जो इसकी साउंड है, जो आप इसको लगाने के बाद आपको फील करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप हार्ले ही चला रहे हैं,
और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर आपको इसके साउंड का भी वीडियो दिखाएंगे कि एवेंजर पर ये किस तरीके से साउंड करते हैं साइलेंसर्स। और सबसे खास बात ये है, आपको अभी हमने बीच में शायद बताई नहीं, भूल गए, कि आप जब ये एग्जॉस्ट कोई भी एवेंजर के अंदर इंस्टॉल करवाएंगे तो उसके अंदर एक कॉलर लग जाएगा जो यूनिवर्सल हो जाएगा। उसके बाद आपका जब मन करे, जो मन करे आप साइलेंसर उसके अंदर एग्जॉस्ट अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर। और कल को अगर मैं ये उतारना चाहता हूँ और अपना ओरिजिनल वापस लगाना चाहता हूँ, ये भी बिल्कुल लग जाएगा। यानी कि मेरी बाइक में जब आप कोई भी साइलेंसर लगाएंगे एवेंजर में, तो मेरी बाइक को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। एक बेटर ये फील होगा आपको कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी बाइक, राइट। और माइलेज में कोई फर्क आता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई सिग्निफिकेंट कोई ऐसा खास नहीं होगा जो आपको पता चले। अगर आपकी बाइक 35 की एवरेज देती है या 40 की देती है, तो 35 का 34 होगा तो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों हार्डली एक 1 या 2 किलोमीटर का ड्रॉप आ सकता है, अगर आ सकता है वो भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक राइडिंग पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली यार जब बाइक मॉडिफाई हो चुकी है और इतनी डिफरेंट एक लुक आ रही है, तो यार हमें तो चलाते हुए इतना मजा आ रहा है, तो हमारा पैटर्न ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। एक चीज और भूल गया इसके बारे में, ये हमारे पास जो साइलेंसर है ये आता ही डिजाइनर लुक के अंदर है। जो आपके पास चाहे ब्लैक बाइक हो, चाहे व्हाइट बाइक हो, या गोल्डन हो, या कुछ भी हो, ये डिजाइनर में आपको मिलेगा, फुल ब्लैक में मिल जाएगा। और इसके ऊपर ब्लैक क्रोम के ऊपर ब्लैक प्लेट है, टेल ब्लैक है। फ्रंट इसकी लुक देखेंगे और बहुत ही ब्रॉड लुक यहाँ पे मेरे को दिख जाती है, काफी एक मल्टीबैंड कोबरा परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट यहाँ पर इम्प्रिंट हो रखा है और राउंड एक ऐसा बूम जैसी आवाज निकलती है ना यार, दोस्तों दिमाग सारा खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये था कोबरा मल्टीबैंड प्रीमियम एग्जॉस्ट जिसकी हमने बात करी थी अभी। और लास्ट में मैं सबसे अल्टीमेट और सबसे प्रीमियम साइलेंसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिसका नाम है कैनन, जिसको राइड मास्टर भी कहा जाता है, जिसे कैनन भी कहा जाता है, और ये है एवेंजर के लिए आज की डेट में नंबर 1 एग्जॉस्ट। तो मैं चाहूंगा संदीप आप इसकी डिटेल्स कुछ बताएं, इसका वेट क्या है। और पहले तो मैं बोलूंगा, आपने प्रीमियम बोला, ये प्रीमियम नहीं है, ये सुपर प्रीमियम है। ये पति का प्रीमियम एग्जॉस्ट है देसी भाषा में बोला जाए तो। और इसका वेट तो कम से कम नहीं, तो इसका वेट 5 से 5.5 किलो के आसपास इसका वेट है। तो यानी आपकी बाइक को जो क्वालिटी देगा, ये बाइक को जो रोबस्ट लुक देगा साथ में, और जो साउंड है, मैंने आपको कोबरा के बारे में बताया, ये कोबरा का बाप है, ये कोबरा का बाप है। साउंड इतना प्योर, इसका प्योर देसी साउंड और ब्रूम ब्रूम के साथ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक हीट शील्ड भी मिल रही है, ताकि गलती से अगर आपका पैर लग जाए तो वो चीज भी आपकी कंट्रोल हो जाए और आपका पैर नहीं जलेगा। ये एल्युमिनियम की है, ब्लैक कलर में आती है और एक प्रोटेक्शन भी देती है, एक डिजाइन एलिमेंट और एक स्टाइल एलिमेंट क्रिएट करती है। और ऑलरेडी डिजाइनर पीस है। यहाँ से अगर आप लुक देखेंगे तो ये प्योर एल्युमिनियम का पीस है दोस्तों, और काफी थिक इसकी वॉल है और बहुत ही भारी पीस है। सिरेमिक वूल है इसके अंदर और यहाँ से एयर आउटलेट है और यहाँ पर लिखा रहेगा राइड मास्टर। और अल्टीमेट एग्जॉस्ट है, प्रीमियम चीज आप चाहते हैं। आई गेस एवेंजर की मॉडिफिकेशन आने वाले दिनों में हम जो करेंगे, शायद हम इसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, अभी हम जो बेस्ट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले तो अभी हम आजकल जितने यूज किए हैं, अभी हमने मल्टीपेट कोबरा किए हैं, right। ये अभी हम लेटेस्ट एडिशन हमने किया है, पहले हमारे पास बहुत चलता था ये, हमने दोबारा हमने रिलॉन्च किया है इस एग्जॉस्ट को। ये बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट। अगर मैं जितना मुझे सुनने में आया है कि शायद आप लोग कोई एवेंजर मॉडिफाई भी कर रहे हैं, जैसे आप बहुत ही एक डिफरेंट से लुक दे रहे हैं। अभी हम आप देखेंगे, आप 15 दिन का टाइम देखिए, 15 दिन के बाद एक वीडियो आएगा, शायद बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, विदिन 15 डेज हम लोग ट्राई करेंगे। आप एवेंजर आएगी उसमें इन दोनों में से कोई एक एग्जॉस्ट हम यूज करेंगे। तो दोस्तों हम ट्राई करेंगे कि वो एक ऐसी डिफरेंट सी मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है उस प्रोजेक्ट को लेकर और संदीप उसे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत ही ना मोनोटोनस सा लुक आ रहा है एवेंजर में, हर कोई उसको हार्ले प्रॉपर हार्ले बनाने में लग रहा है, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करेंगे उसको। और उसके अंदर आमतौर पर लोग रैपिंग वगैरह करते हैं, तो इस बार शायद पेंट का भी मेरे ख्याल से बातचीत चल रही है कि उसमें पेंट किया जाए, एयर ब्रशिंग करी जाए, लेकिन बहुत ही एक्सक्लूसिव बहुत अल्टीमेट चीज निकलेगी। क्योंकि मॉडिफिकेशन तो यार सब लोग कर लेते हैं, किसी भी चीज को काट दिया, वेल्ड कर दिया, लगा दिया, लेकिन जो एक सिस्टमैटिक तरीके से मॉड होनी चाहिए जो उसकी एर्गोनॉमिक्स के साथ जेल कर जाए, वही मॉड जो होती है वो एक लॉन्ग लास्टिंग होती है बिना किसी आपके इंजन को डैमेज किए। और खास चीज ये है कि हम लोग जो बनाएंगे किट्स भी बनाएंगे मॉडिफिकेशन के लिए, तो बोल्ट ऑन किट्स होंगी। जब आपका मन कर रहा है, आपने मॉडिफाई कराई बाइक के ऊपर, एज इट इज फिट कर दिया, जब आपको लगा यार नहीं बहुत हो गया, अब इसको फिर से मेरे को स्टॉक बाइक बनाना है, तो आप एज इट इज उसको उतारिए, अपने स्टॉक किट पूरी की पूरी एज इट इज इंस्टॉल कर। इसी तरीके की बोल्ट ऑन किट्स के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा से, हम एग्जॉस्ट के बारे में एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि अभी एग्जॉस्ट में साउंड का, नॉइस का शायद आपको आप शायद भूल गए बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने शायद डीबी किलर भी अभी हमने डेवलप किया है। बिल्कुल, तो अभी स्टार्टिंग उसमें फेज में है, लेकिन अभी एक पीस बन चुका है उसका, एक चीज बन चुकी है उसका, एक डिजाइन बना लिया है,
तो किसी को अगर आवाज थोड़ी सी भी लाउड लगती है, किसी को लगता है कि थोड़ा सा नहीं मेरे को और थोड़ी कम चाहिए लेकिन लुक यही चाहिए, तो वी कैन इंस्टॉल अ डीबी किलर। डीबी किलर से एक्चुअली में ऐसा होगा कि आप उसे लगाएंगे और आवाज आपकी कम हो जाएगी, निकाल देंगे तो आवाज लाउड हो जाएगी। आई गेस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स में इसके एग्जॉस्ट जो आपकी हमारी पहली वीडियो में लोगों ने देखा है। जैसा दोस्तों आपने ब्रांड वीडियोस का भी लेटेस्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको एग्जॉस्ट दिखाए बेनेली के 600i के, उसी में जिस तरीके के डीबी किलर थे वैसे ही डीबी किलर्स एवेंजर और रॉयल एनफील्ड के लिए भी आने वाले हैं, ताकि आप आवाज के साथ प्ले बिल्कुल, क्योंकि हमारा पहला टारगेट ये है कि हम लोग इलीगल काम को कम से कम करके अपनी बाइक को बहुत ही अच्छे खूबसूरती से मॉडिफाई कर सके। परफेक्ट परफेक्ट। तो दोस्तों ये था अभी तक साइलेंसर के बारे में जितना भी हमने डिस्कस किया।